तथागत गौतम बुद्ध, बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के चरणों में नमन करते हुए समिति के संपूर्ण पदाधिकारियों से धम्मदान की अनुमति का अनुमोदन चाहते हैं। और अध्यक्ष महोदय तो चूंकि हैं नहीं, तो संचालक महोदय से ही इसकी अनुमति मैं दान चाहूँगा। और उस अनुमति धम्मदान से पहले अपना परिचय देते हुए मैं बताना चाहूँगा, ग्राम सभा दर्रूपुर के लिए आज बड़ा ही गौरवपूर्ण का दिन है, बड़ा ही हर्षोल्लास का दिन है। 23 जनवरी इसे याद रखना चाहिए सभी को। हमारे आने वाली पीढ़ी भी, दर्रूपुर के बच्चे जो आएंगे, उनको भी 23 जनवरी का इतिहास मालूम होना चाहिए कि आज 23 जनवरी के दिन इसका शिलान्यास हुआ था। परिचय हमारा, रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर उत्तर प्रदेश पुलिस क्राइम ब्रांच में मैं मैक्सिमम काम कर चुका हूँ। नाम सीपी भारती, मूल निवासी ग्राम भदासी, जो बौद्ध विहार हरैया के करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। भदासी से मूल रूप से बिलोंग करता हूँ और मकान फैजाबाद में भी बन गया है। ये तथागत की कृपा, बाबा साहब की कृपा है कि बदौलत ये सारी चीज़ें अवेलेबल हुई हैं। और धम्म दान की बात चल रही है और इतने बड़े दिन में, इतने बड़े ऐतिहासिक दिन में अखिल भारतीय बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर समाज सुधार समिति हरैया के संचालक श्रद्धेय श्री आर वी तृष्ण के संचालन में ये तीसरा बौद्ध विहार, जिसका नामकरण आज ही हुआ है प्रजापति गौतमी बौद्ध विहार ग्राम सभा दर्रूपुर के लिए, मैं व्यक्त करना चाहूँगा और ये घोषणा करना चाहूँगा। उसका एक और भी कारण है, हमारी बड़ी पुत्र वधू ज्ञान, श्रीमती ज्ञान मित्रा गौतम, पत्नी त्रिपुरेश कुमार भारती तथा प्रपौत्र करुणेश प्रताप भारती, पुत्र त्रिपुरेश कुमार भारती के तरफ से आज ऐतिहासिक दिन इस शिलान्यास के कार्यक्रम के लिए ग्राम सभा दर्रूपुर बुद्ध विहार प्रजापति गौतमी के बुद्ध विहार के विकास के लिए 10,000 रुपये की घोषणा करता हूँ और उसे अभी विद इन 5 मिनट मैं ट्रांसफ़र सिस्टम से माननीय संचालक जी के खाते में ट्रांसफ़र करूँगा। और आज का इतिहास के दिन इसके शिलान्यास के कार्यक्रम में हमारी बड़ी पुत्र वधू श्रीमती ज्ञान मित्रा गौतम व प्रपौत्र करुणेश प्रताप भारती की तरफ से ये धम्मदान माना जाएगा। आज मैं इसके लिए घोषणा करता हूँ और ये दान अभी देता हूँ। और ग्राम सभा दर्रूपुर के लोगों से अपील है मेरी कि इसे जन जन तक पहुँचाएँ, यहाँ के विकास कार्यक्रमों को आगे से तेज़ी से बढ़ाएँ, समिति का गठन हो, चयन हो, अच्छे पदाधिकारी मिलें, अच्छे काम करने वाले मिलें, जो आत्मसमर्पण के भाव से काम करें उनको लाया जाए इस समिति में और युद्ध स्तर पर इस कार्य को बढ़ाया जाए। चूँकि समय काफ़ी व्यतीत हो चुका है, 20-25 साल से ज़्यादा हो रहा है इस ज़मीन की प्राप्ति के लिए। विकास का आज पहला चरण श्रद्धेय आर वी तृष्ण साहब के पदार्पण के साथ हुआ है और शिला वृक्षारोपण किया गया। ये बड़े ही गौरव की बात है, खास करके ग्राम सभा दर्रूपुर के लोगों के लिए, और अनुकरणीय है, स्मरणीय है, ये बहुत ही बड़े गर्व की बात है। और इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ और संचालक जी का आशीर्वाद चाहिए।